हाल ही में हुए मिड डे इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2022 में एक बार फिर से लॉकअप की फेमस जोड़ी शिवम शर्मा और आजमा फलाह को देखा गया। वेल आपको बता दें कि दोनों ने बिग बॉस के बारे में भी बातें की, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर दोनों लॉकअप के बाद कौन से रियलिटी शो में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल बात करें अगर शिवम शर्मा और आजमा फलाह की, तो भाई लॉकअप में इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, क्योंकि इन दोनों को काफी ज्यादा एक दूसरे से बातें करते हुए तो देखा जाता ही था। इसके साथ ही ये दोनों लड़ने में भी काफी माहिर थे और इसी वजह से लॉकअप में इन दोनों की जोड़ी सुर्खियों में बनी रही। हालांकि दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहते थे और यहाँ पर शिवम शर्मा ने तो आजमा फलाह का एक और नाम भी रख दिया है। जी हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वेल दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 16 आने वाला है, ऐसे में कंटेस्टेंट्स के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच शिवम शर्मा ने कहा है कि बिग बॉस में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी आने वाला है, जिस पर आजमा फलाह ने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक हिंट दे दी है कि आजमा फलाह बिग बॉस में आ सकती हैं। हालांकि हिंट्स तो ये भी हैं कि शिवम शर्मा भी बिग बॉस में आ सकते हैं। फिलहाल आप खुद ही सुन लीजिए कि शिवम शर्मा अका बूम बाम ने क्या कुछ कहा है बिग बॉस को लेकर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये धमाका बहुत जल्द बिग बॉस में भी आने वाला है, इसको संभाल लेना। ठीक है ना? तो अभी आज जो ये अटायर है, मैं आज लग रही है ब्लैक ब्यूटी, और मुझे लगता है कि मतलब मैं जब भी इसके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरा सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ये जितनी चुलबुली है उतना ही नटखट मैं भी हूँ। और आज ये हमारे साथ आई है, हमारी सीट भी यार साथ ही है, तो कुछ कहना चाहेंगे यार आज? तुम्हारे साथ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। पुणे से आई है बेचारी, इतनी दूर से आई है, तो अच्छा आई होप अच्छा इवेंट ही है। अरे मैं मजाक करता रहता हूँ, कंट्रोवर्सी में देता रहता हूँ, मतलब ये झूठ है। नहीं, हम एक्साइटेड हो गए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं जो मेरा ये मानना है कि जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स हो, किसी भी फील्ड में अवार्ड्स मिलने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट गिव्स यू अ लिटिल पुश। जो भी लोग मेहनत करते हैं सुबह सुबह उठ के 9 बजे से लेके, मैं देखता हूँ कई लोग इन्फ्लुएंसर्स 9 बजे से लेके हर रोज़ 5 बजे तक शूट ही कर रहे होते हैं, तो वो एक उनको एक अवार्ड मिल जाता है, तो वो एक मेहनत करने का उनको एक मौका मिल जाता है कि भाई इट गिव्स यू अ बूस्ट, खुद की मोटिवेशन के लिए होता है। तो अच्छे हैं और ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते रहने चाहिए। बाकी मेहनत करते हैं सारे लोग, पर कहते हैं कि बोलो तो कुछ, तुम भी तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो शिवम, तुम्हारा बटन मैंने ऑन कर दिया है, एक्टिवेट मोड हो गया। मैं हमारी बात तो होती रहती है, वीडियो कॉल वगैरह में हम करते रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, कर्म कर रही है ये लड़की बाहर आने के बाद। जितनी अंदर थी, मतलब लोगों ने, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई आजमा बेस्ट, आजमा बेस्ट, आजमा बेस्ट। मैं बोलता हूँ कि बेस्ट नहीं, ये सर्वोत्तम है, इससे अच्छी मतलब इतनी क्यूट, एडोरेबल, अच्छी इंसान, लोगों गरीबों की मदद करने वाली, मतलब लाइक शीस, ये हीरा अपने आप में। लोग कोहिनूर कोई रानी के मुकुट पे लगा रहे हैं, हमारे हम अपना कोहिनूर लेके घूम रहे हैं। हो गया, थैंक यू।